बाकी एजेंसियां ऐसा क्यों नहीं कर रही है भाई? तब आया है युवा आपके विरोध के अंदर। कहीं हक लेने आए क्या? हाँ, हक ही लेने के लिए आए। संविधान में भी लिखा है रोजगार देना पड़ेगा आपको, ये हक के लिए आए हैं। हक के कारण ही भ्राता हंता बना विभीषण, हक के खातिर कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था भीषण। हक के खातिर कोई धदीची देह बांटने निकला और परशुराम कोई नरमुंड काटने निकला। हक कैसे लेते बतलाती हल्दी घाटी, हक है तो राणा ने मुगलों की बचलना ना चाटी। हक के कारण ही नंद वंश मिटता है आर्यावर्त में, और हक के कारण ही योगेश्वर बने थे सारथी रथ में। ये सारे संदर्भ उनके सामने पड़े थे और हक लेने के लिए ही राणा के लड़ाके हल्दी घाटी में लड़े थे। कहीं हक, और जब हक की लड़ाई शुरू होती है ना, होती नहीं, अगर जब शुरू हो गई तो उसे दबाना बड़ा मुश्किल है। आइए साहब, अब कभी आइए, ये आप राजा हो, आपकी संतानें हैं, ये बेरोजगार हैं, आप आइए बोलिए इनको कि करेंगे ये करेंगे वो करेंगे। कुछ बोली कोई शर्म वाली बात नहीं, अगर आप अब आ जाओगे कोई शर्म वाली बात नहीं, आप आके बोलिए ही नहीं हो क्या रहा है। आप बोलिए कि हाँ मैं करूँगा, आपने कहा था शुरुआत में 2 करोड़ नौकरियों का, आप 2 करोड़ 1 मत दीजिए, 2 करोड़ ही दे दीजिए। आप आके बोलिए, आपका बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे देखो आपकी कितनी तारीफें हो रही है, लाइक से 10 गुना अनलाइक आ रहे हैं आपके। अब आपको बोलना पड़ेगा कुछ ना कुछ तो, क्योंकि युवा विरोध में आ गया आपके, और जिसके हाथ में सब कुछ है आज, सोशल मीडिया से किसी व्यक्ति को बनाया भी जा सकता है और बिगाड़ा भी जा सकता है। राजस्थान की हालत, कैलेंडर तो जारी करती है भाई, आरपीएससी कैलेंडर तो जारी करती है, लेकिन कैलेंडर पे आज तक कभी कोई पेपर नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ साहब आज तक। हर भर्ती को पंचवर्षीय योजना बना रखी है। राजस्थान ऐसा ही 2010 उनको जाके 15-16 में ज्वाइनिंग मिली। पहली वैकेंसी आई 2010 में, दूसरी आई 2016 में, 6 साल बाद। यानी 6 साल बाद अगर कोई 19-20 से 25 एज रखी गई थी उस समय, फिर विरोध हुआ था, कोई 19 साल का बंदा 2010 वाली एसआई नहीं दे पाया और वो 26 का हो चुका है, 6 साल बाद एसआई की भर्ती आई है दूसरी, अभी तक उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है। चल रही है पंचवर्षीय योजना ही चल रही है, राजस्थान की हालत ये। बहाने करते हो कोरोना है, आप बीएसटीसी के 6 लाख बच्चों के पेपर करवा सकते हो कोरोना में, तो रीट फेस्ट लेवल के पिछली बार जो है 2,87,000 स्टूडेंट थे, 6 लाख से तो 3 गुने कम है साहब। रीट लेवल सेकंड के 7 से 8 लाख स्टूडेंट थे पिछली बार, 1 लाख और बढ़ गए होंगे। तो जब तुम 6 लाख का करवा सकते हो कोरोना में, तो फिर रीट में आप क्यों कह रहे हो कि कोरोना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे बहाने क्यों गड़ रहे हो साहब? आप भी आइए, आपको आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बेरोजगार अध्यक्षों ने भी आपके विरुद्ध मुहिम छेड़ दी है, आपको भी शायद अल्टीमेटम दे दिया, आपके पास भी सूचनाएं पहुंच गई होगी। मंत्री जी आपको भी आना पड़ेगा, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि सिलेबस क्या है। 1 साल से रीट रीट हो रही है, रीट का सिलेबस तक आपके पास, सीनियर आईएएस अधिकारी